We move on to a new topic that's reproduction through education. Or within that, we are focusing on reproductive learning. So, the idea of reproductive education system was prominent during the second half of the 20th century. proponents Bernstein बोडो uh, की बात आती है पैसरॉन की बात आती है तो आर्गूमेंट इज दैट स्कूल आर नाट इंस्टीट्यूशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी बट मैकेज़म् फ़ॉर द दर्पैचुएशन ऑफ सोशल इनिक्वालिटीज़ तो जो भी सिस्टम है उसी सिस्टम को स्कूल जो हैं चेंज नहीं कर रहे बल्कि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को दोबारा जो है वो ट्रेनिंग के ज़रिए से रिक्रिएट कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो जारी है तो ये कैसे हो रहा है उसमें कहने की बात यह है कि दिस इज़ थ्रू लेट्स से टीचिंग प्रोसेस द स्कूल पैडागॉजिक एक्शन रिप्रोड्यूस द डोमिनेंट कल्चर जो हमारा जो टीचिंग का स्टाइल है आ, Wo, aisa hai ke it leads to the reproduction of the existing environment, existing inequalities, existing situations. So we see that this contribution to the reproduction of the structure of the power relations within the social formation. So dominant system of education tends to secure a monopoly of legitimate symbolic violence.? Okay. violence. Kis ke उनके खिलाफ है विच हु आर ऑलरेडी इन ए डिसडवाटेज काइंड ऑफ पोजिशन और दैट इज़ हाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज सिम्बॉलिक वॉलेंस सो रिप्रोडक्टिव लर्निंग इज़ ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन रोट लर्निंग यानी ये बेस कर रही है मेमोराइजेशन पर ओके okay? और मेमोराइजेशन का मतलब ये है कि जो नॉलेज ऑलरेडी है उसी को मेमोराइज करना है उसी को हमने रिप्रोड्यूस करना है और ये रिप्रोडक्शन हम देखते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं इन दी एग्जामिनेशन सिस्टम सो दिस अप्रोच इज मोस्टली डिराइड फ्रॉम द नीड टू ट्रेन वर्कर्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज तो दैट इज हाउ इट इज नीड ड्रिवन काइंड ऑफ अप्रोच सो रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टेस्टिंग ओके टेस्टिंग असेसमेंट ये टेस्टिंग एंड असेसमेंट जो है किस बेसिस पे करेंगे कि उसने कितना मेमोराइज़ किया है कितना वो उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वो बात वही रहेगी कि जो पहले था उसी की कंटिन्यूएशन है उसमें चेंज की बात नहीं है नॉट ओनली उसमें चेंज की बात नहीं है बल्कि उसमें जो इंडिविजुअल से स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस उनकी वैल्यूज जो हैं वो भी इंक्लूड नहीं की आर नॉट इंक्लूडेड इन लर्निंग प्रोसेस देयर एक्सपीरियंसेस देयर ओन वैल्यूज देयर ओन थिंकिंग देयर ओन एटीट्यूड्स ये उसमें मिनिमम किस्म की बात होती है सो रिप्रोडक्टिव लर्निंग बिकम्स ए व्हीकल टू रिप्रोड्यूस रोल्स यानी वही रोल्स जो कि पहले लेट अस से डिफरेंट से जेंडर्स प्ले कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स प्ले कर रहे हैं या डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी प्ले कर रहे हैं वही वैल्यूज़ कंटिन्यू करेंगी वही सोशल स्ट्रक्चर कायम रहेगा वही हायर आर्की ऑफ सोशल क्लासेस रहेगी और वही सिस्टम रहेगा जो कि कंट्रोल कर रहा है सारी सोसाइटी को दैट इज़ रिप्रोडक्शन ऑफ द होल सिस्टम तो इस तरीके से हम ये देखते हैं के रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव लर्निंग हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज इन द इंडस्ट्रियल एज ओके द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स अस्टैब्लिश दोकस ऑफ पावर एंड द यूनिडायरेक्शनल नेचर ऑफ ट्रांसमिशन ये पैडागॉजी की चूँकि बात आ रही है और पैडागॉजी में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट uh, की और टीचर की तो टीचर हैज़ द पावर टू कंट्रोल एवरी थिंग आर इफ़ ही हैज़ द पावर दैन परसनल फीलिंग्स एक्सपीरियंसिस वैल्यूज एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर नाट गिवन एनी इम्पॉर्टेंस इवन दे माई नाट बी अलाउड टू एक्सप्रेस सो वई सी दैट ये जो बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन की जिसमें डिविजन ऑफ लेबर की बात आ रही है स्पेशलाइजेसन की बात आ रही है यही चीज़ हमें फिर एजुकेशन uh, सिस्टम में भी नज़र आती है यहाँ भी सेपरेट डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं डिसप्लिनरी फ्रेगमेंटेशन नज़र आती है और बहुत ज़्यादा सोशल स्पेशलाइजेशन uh, की बात आती है तो रिप्रोडक्टिव लर्निंग फोकस ऑन रिटेनिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन एट दी अपॉइंटेड टाइम और करेक्ट इन्फॉर्मेशन वो मेमोराइजेशन की बात आ रही है रोट लर्निंग की बात आ रही है और उसी को हम असेस कर रहे हैं और ये ऐसे ही है जैसे फ्रेरे ने कहा था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर मोर लाइक बैंक्स ओके उनका जो माइंड है दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए बैंक और उस बैंक में हम ये नॉलेज स्टोर करते हैं और जो हमने स्टोर किया वही हम फिर निकालना चाहते हैं तो दैट इज़ मोर लाइक रिप्रोडक्शन जिसमें कोई चेंज नहीं आएगी, आएगी so student is, a, is an empty account waiting to be filled by the teacher and student is not active he is very passive he has to store that he has to memorize it he has to reproduce it at the time of assessment maybe examination so that is how uh, it does not prepare the individuals to deal with complexity Contingency and unforeseen uh, rapidly changing situations. So it's my critical thinking ni my creativity ni or uh, na uh, innovations ni or change ki baad is my minimum hai. So presently innovation is essential in all areas and creativity has become central dimension of human lives. Therefore, this approach may is not suitable for the Coming times. This criticism, ke Jud yeh continue kar rahi hai, aur iska part of the reason for its longevity has been considered assumption that reproductive learning, with its focus on memorization and retention of facts, is the only certain and measurable way to ensure that what are considered the fundamentals are being transmitted. और इसके बिजाड़ जाएंगे तो हमारे लिए मेजर करना मुश्किल हो जाएगा तो वन ऑफ द क्रिटिसिजम ऑफ प्रोग्रेसिव एंड अल्टरनेटिव एजुकेशनल अप्रोचेस इन जनरल इज़ दैट दे डू नाट प्रोवाइड द सॉलिड फाउंडेशन अब ये सॉलिड फाउंडेशन क्या है अल्टरनेटिव uh, स्टडीज़ क्या हो सकती हैं उसमें क्रिएटिविटी बिल्कुल uh, ख़त्म हो रही हो जाती है So, with the fundamentals, they are left with no marketable skills or understanding of dominant tradition. So they fundamentals, they are not suitable for employment in industrial sector. This question question what is uh, the foundation and uh, who defines this foundation? What are the constituent elements of this foundation? So, that debate continues.